बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हफ्ते प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को जो है पाकिस्तान का दौरा करना है और उसके लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का आज टेस्ट टीम का अनाउंस हुआ। उसमें हम देखते हैं 18 रुकनी टीम की क़यादत एक दफा फिर बाबर आजम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस टीम के अंदर थोड़ी सी तब्दीली जरूर होती हुई नजर आई। उस टीम के अंदर हम देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को टीम में शामिल किया है, गो के उन्होंने जो पिछला सीजन खेला उन्होंने जो है जबरदस्त 6 मैचेस के अंदर जो है 24 विकेटें हासिल की हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें थोड़ी सी जातियों के हवाले से तो मीर हमजा मुकम्मल तौर पर जो है हम देखते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, लेकिन शहनशाह आफरीदी के बाद हम यही महसूस कर रहे थे कि उनकी कमी को पूरा करने के लिए मीर हमजा को टीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ सिलेक्टर की नजर में शायद नहीं हुआ। बल्कि अगर बात करें जातियों के हवाले से तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इसको डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्म किया उसको इग्नोर करते हुए दिखाई दिए। अगर हम बात करें फास्ट बॉलर शहनशाह आफरीदी की तो हर कोई यही कहता नजर आया था कि शहनशाह आफरीदी का नेमुल बदल अगर देखा जाए तो इस डोमेस्टिक सर्किट के अंदर मीर हमजा ही दिखाई देते हैं। गो के चले मोहम्मद अली को टीम में शामिल किया गया। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट जमीर अहमद साहब, उनके साथ साथ मौजूद है हमारे साथ नदीम शाह साहब जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। इनसे भी बात करेंगे कौमी टीम के सिलेक्शन के हवाले। सबसे पहले जमील साहब की बात है, जमील साहब टेस्ट टीम का अनाउंस हुआ, 18 रुकनी टीम है, इसमें हम देखें सरफराज अहमद टीम का हिस्सा जरूर है। गो के 18 रुकनी टीम के अंदर आप देखते हैं कि सरफराज अहमद की जगह बनती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल जगह बनती हुई इन्होंने लिया है, क्योंकि ये जो है ना जो इनका जो प्लान था वो तो हसीबुल्लाह को खिलाने का था, मतलब सेकेंड विकेट कीपर के तौर पर जो है ना वो 19 साल का है, बहुत टैलेंटेड है और उसके बाद बहुत टाइम है और वो इंशाल्लाह आएगा और वो खेलेगा। लेकिन इस वक्त जो है ना एक तजर्बेकार खिलाड़ी की ज़रूरत थी, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है कोई कमज़ोर टीम तो है नहीं, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं, तो इसलिए जो है वो अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि वो तो एक ही सूरत है सरफराज के खेलने की कि अगर रिजवान अपनी जगह छोड़ते हैं तो फिर जो है ना जगह से मुराद ये अनफिट होते हैं या कोई ऐसे वो होती है इंजरी हो जाए तो सरफराज को मौका जो है ना मिल सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि मतलब उनको मौका मिलेगा। सबसे बड़ी जो ज्यादती है फवाद आलम के साथ, जो मैं सबसे मतलब अहम जो तकलीफ दे हमारे ना वो ये है कि उसने 10 साल के बाद 11 साल के बाद कमबैक किया और कमबैक करके उसने 4 सेंचुरियां मतलब बनाई। देखें अगर आप किसी खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे ना और इस तरह करेंगे, उसके साथ ज्यादती का आगाज इन्होंने श्रीलंका में कर दिया था, हमारी समझ में आ गया था वहीं पर जब जाके उसको बिठा दिया ना टेस्ट मैच। आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में भी यही बात कही थी जमील साहब कि जातियों का सिलसिला तो शुरू हो गया फवाद के साथ और वो कुछ आज सिलेक्टर्स ने जो है फवाद के साथ कर दिखाया। ऐसे में क्या जो नौजवान प्लेयर्स हैं उन पर क्या रोल जाएगा? देखिए किसी को भी मतलब देखिए रोल का नहीं पता, यहाँ पर तो पसंद और नापसंद है ना। अजहर अली को आप खिलाए जा रहे हैं, कारकर्दगी हो ना हो, मैं कहता हूँ जब से फवाद टीम में आया है उस वक्त से लेके अब तक जो है ना अजहर अली की कारकर्दगी देख लें और फवाद की कारकर्दगी देख लें, तो या तो अगर दोनों को बाहर करें अगर नए लड़कों को खिलाना है, और वरना ये बड़ी ज्यादती की बात है कि एक ऐसा प्लेयर कि अगर एक उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें वो अगर अच्छा नहीं खेला तो क्या मतलब है उसको आप निकाल के टीम से मतलब कि बाहर कर देंगे। अपने आखिरी इनिंग में 24 रन भी किए थे उसने श्रीलंका के अंदर, जो उसको दूसरा टेस्ट खिलाया था वो टेस्ट पाकिस्तान जीत भी गया था, तो क्या ऐसी मतलब वो हुई कि आपने ला के उसको जो है ना यहाँ पर और टीम अनाउंस करके और उसको ये पता ही क्या है। इसी तरह जो जहनी तौर पर जो प्लेयर होता है ना वो मतलब उसको वो लोग खत्म कर देते हैं। ताबिश खान की मिसाल आपके सामने, वो तकरीबन 10 साल से जो ना मतलब वो कर रहा था परफॉर्म कर रहा था। जब ताबिश की बात तो आपने कर दी है लेकिन हमारे साथ हम देखते हैं कि एक कराची से बिलोंग करने वाला मीर हमजा उसके साथ भी अब जाती होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह आपने मोहम्मद अली को टीम में शामिल किया सीजन वाइज डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस में तो मीर हमजा मेरा ख्याल में मोहम्मद अली से ज्यादा बेहतर नजर आते। पिछले प्रोग्राम में बोल के गया हूँ मैं आपके कि मीर हमजा को इनको खिला देना चाहिए, याद है आपको मैंने कहा था मीर हमजा को इनको मतलब देखें मीर हमजा जो है ना इस वक्त ऐसी प्राइम फॉर्म के अंदर है कि उसको जो ना ना खिलाने का जो इस वक्त जैसे शहनशाह आफरीदी नहीं है तो आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए, उसको खिला देना चाहिए। ये इसको हम कहते हैं खुली ज्यादती, एक तो ज्यादती होती है खुली ज्यादती, फवाद के साथ ज्यादती, मीर हमजा के साथ ज्यादती। अच्छा अब आप जो है ना मतलब हारिस रऊफ को आप जो है ना लेकर आ गए, हारिस रऊफ ने कितने फर्स्ट क्लास खेले, 8 फर्स्ट क्लास खेले, वो भी बहुत पहले, 2 साल से तो खेल ही नहीं रहा, वो फर्स्ट क्लास ही नहीं खेला। अब 2 ओवर का वो स्पेल करता है, टेस्ट के अंदर आपको 8-8 ओवर का वो कराना पड़ता है स्पेल, आपके पास कौन इसकी वो लेगा कि यार ये 8 ओवर का स्पेल करा के, अगर ये आउट कर रहा है और जरूरत है कप्तान को 8 ओवर का वो कराने की स्पेल तो ये 8 ओवर का स्पेल करा के वो फिट रहेगा?
तो मतलब ये जो लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं ना, जो 30-30, 32-32 ओवर करते हैं, वो ऐसे बॉलर की जरूरत, जैसे मीर हमजा हो गया, अगर आपको वो करना था, देखें अगर आप उसको लेते हैं तो फिर हसनैन भी था, शाहनवाज धानी भी था, फहद बाबर तो आपके है ना, तो फिर जो आप मोहम्मद अली को तो शायद जल्दी आप देखते हैं कि चांस दे दिया, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह लाइनअप की आप बात करें, मोहम्मद हसन पीछे, शाहनवाज धानी टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं मुस्तकिल, तो इनको आपको मौका ये था कि जब आपके पास शहनशाह आफरीदी अनफिट हुए तो उनकी जगह ये बनती हुई दिखाई देती। देखें ये बहुत ज्यादती की बात है, इसका डेब्यू मोहम्मद अली का 2007 में हुआ था, ये आज का प्लेयर नहीं है, अभी तो सेंट्रल पंजाब से खेल रहा है ना, ये वाडा से खेलता था, ये पुराना प्लेयर है, मतलब 33-34 साल की उम्र में आप ला के क्या मतलब उससे हासिल करना चाहते हैं, मतलब अगर आप ये कहते हैं कि दो सीजन में तो खुर्रम मंजूर ने भी रन किए, तो आप फिर ला के खिलाओ ना, सबके लिए वो होना चाहिए बराबर, ये तरीकेकार इनका, इनकी अपनी जाती पसंद और नापसंद है। अब यासिर शाह को आप क्यों लेकर गए थे भैया श्रीलंका, फिर जब आपने यहाँ पर जाहिद महमूद को टीम में शामिल करना था, लेकर गए थे वहां पर, मतलब मतलब इसे को पूछने कर कह रहे हैं, फवाद आलम को इन्होंने बाहर कर, चले हसन अली की तो फॉर्म नहीं है, लेकिन जो नए लड़के हैं मेरे, शाहनवाज धानी है, मतलब मोहम्मद हसनैन है, मतलब इनके होते हुए मोहम्मद अली को इन करना ये बहुत ज्यादा, और फिर सबसे नंबर टॉप के ऊपर मीर हमजा है। देखिए मीर हमजा तो 450 के करीब उसके विकेट हैं, और जैसी जिस तरह की वो हर सीजन में परफॉर्मेंस दे रहा है और तो सबने देखा है, तो आप जो है मतलब वो तो फर्स्ट क्लास में वो कर रहा है परफॉर्म, चार रोजों की कारकर्दगी टेस्ट में लोग है ना आप, ये कौन सा तरीके कार है यार, कि मतलब एक वो जो T20 वाले हारिस रौफ को जो ना आप टेस्ट कैप देने जा रहे हो, और जो रगड़ा लगा रहा है 4-5 साल से उसको आप जो ना पूछ रहे हैं, अहमियत देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नदीम शाह साहब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, जिस तरह खिलाड़ियों के साथ जाती हुई है इस स्क्वाड के अंदर, जिस तरह जमील साहब भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मीर हमजा की इस टीम में जगह बनती दिखाई देती थी, मोहम्मद अली गो के 31-32 साल के फास्ट बॉलर हैं, समझते हैं कि यहाँ पर यंग टैलेंट की जरूरत है, क्योंकि हम अगर देखें तो जिस तरह की सीबी के चेयरमैन रमीज राजा साहब जो है यंग को बड़ा प्रमोट करते नजर आ रहे हैं, अंडर 19 सुपर लीग भी करा दी उन्होंने, उसके साथ साथ यूथ के लिए बड़ा जबरदस्त काम भी कर रहे हैं, लेकिन वही सिलेक्शन कमेटी का म्यार नजर आ रहा है 30-31-32 साल के प्लेयर्स को टीम में शामिल करना। देखिए क्रिकेट तो प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी क्रिकेट करा रहे हैं, ये चीजें समझ में आ रही है, लेकिन जब उस क्रिकेट में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं तो उन लड़कों को चांस नहीं मिला, जैसे मीर हमजा है 450 विकेट 350 विकेट लिए हुए, अब इनकी परफॉर्मेंस है, दरअसल मसला ये कि हमारा जो सिलेक्टर है ना, जिसको टीम में लाना होता है तो वो उसी तरह के क्राइटेरिया बनाते हैं, अगर आप अली की बात करेंगे तो वो बताएंगे 2 सीजन में अली ने इतने आउट किए हुए, लेकिन पीछे नहीं देखते मीर हमजा के क्या रिकॉर्ड है, 2 साल से क्या परफॉर्मेंस है उसकी, डबल क्रॉसिंग काम कर रहे हैं लोग, अगर आप अभी फवाद आलम के लिए बात उठाएंगे तो वो यकीन तो फिर वहां पर डबल क्राइटेरिया लेके आएंगे, अजहर अली के लिए वो डिफेंड करना शुरू कर देंगे, फवाद आलम के लिए बता देंगे लास्ट सीरीज में इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, अगर देखा जाए आपके फवाद आलम या अगर आप अजहर अली की परफॉर्मेंस उठाएंगे तो मवाजना कहेंगे तो बेहतर फवाद आलम ही होगा, लेकिन क्या है कि एक सीरीज फ्लॉप है, उन्होंने उसको आसानी से बाहर कर दिया, मीर हमजा को लाना नहीं चाहते हैं, इसी तरह इन्होंने पहले असद शफीक को बाहर किया टीम से, क्योंकि असद शफीक और अगर आप अजहर अली को देखेंगे दोनों को एक जगह पे तो आपको खुद नजर आएगा, आप मुसलसल मौका दे रहे हैं अजहर अली को और आप असद शफीक को टीम से बाहर कर रहे हैं, मीर हमजा के लिए आप मुश्किलें कर रहे हैं, उसके लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, PSL की परफॉर्मेंस बोलते हैं आप, PSL में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, डोमेस्टिक में भी किया है, और फिर प्लेयर वो ऐसा प्लेयर है कि लीग छोड़ता है सब चीज़ें छोड़ के आपका पूरा सीजन डोमेस्टिक खेलता है, प्लेयर इसलिए ही खेलता है पूरा डोमेस्टिक सीजन कि उसको मौका मिले पाकिस्तान के लिए, वो इतने लंबे लंबे स्पेल करता है, तो बात फिर वहीं आ जाएगी कि मुझे देखें जितना ताबिश खान का फ्यूचर हमने देखा है क्या हुआ उसके साथ, तो मीर हमजा के साथ भी कहीं ऐसा ना कर दें जिस तरह इन्होंने ताबिश के साथ किया। अच्छा ताबिश के साथ भी ज्यादती हुई है जमील साहब, इस टीम के अंदर अब हम देखते हैं तो खासकर मोहम्मद नवाज भी टीम का हिस्सा है, उसके साथ फहीम अशरफ को टीम में शामिल किया गया, तो समझते हैं कि इसमें जगह बनती दिखाई दे रही है मोहम्मद नवाज की। देखिए मोहम्मद नवाज को तो मेरे ख्याल खिलाएंगे क्योंकि इन्होंने श्रीलंका में भी खिलाया था उसको, अब देखना यह है कि ये 3 स्पिनर और 2 पेसर से जाते हैं जो कि मुझे लगता है कि ये जाएंगे यहाँ पर, और अगर 3 पेसर से जाते हैं तो फिर तो फहीम अशरफ की जगह नहीं बनेगी, फिर तो नवाज खेलेंगे, नौमान खेलेंगे, और फिर जो है ना क्या कहते हैं ये जो नसीम शाह खेलते हैं, नसीम शाह तो खेलेंगे, नसीम शाह खेलेंगे और हारिस खेलेंगे जो मुझे नजर आ रहा है, और स्पिनर के अंदर इब्रार है आपके पास, इब्रार जो है ना, देखिए मुझे लग रहा है कि इब्रार का डेब्यू जो है ना वो मेरे ख्याल में, इब्रार का भी डेब्यू और हारिस रऊफ का भी डेब्यू, ये 2 डेब्यू तो मुझे जो है ना वो नजर आ रहे हैं, और अल्लाह करे कि शकील सऊद शकील का भी डेब्यू हो, इसलिए कि वो जो है ना मतलब वो भी कंटिन्यू जो है ना परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उन्होंने ला के आगा सलमान को, आगा सलमान अच्छा प्लेयर है हमें वो नहीं है, लेकिन पहले हक बनता था सऊद शकील का, तो इन्होंने मतलब ये कि आगा सलमान अली को ला के खिला दिया था, अब एक नंबर है आपके पास,
देखिए ओपनर जो है ना, ओपनर तो आपके वही है, समझे ना, अब्दुल्ला शफीक ओपन करते हुए नजर आएंगे, शफीक ओपन करते हुए नजर आएंगे, उसके साथ जो है ना ये इमाम उल हक करेंगे, अजहर अली, बाबर आजम, अब पांचवे नंबर के ऊपर जो है ना आगा सलमान को खिलाएंगे या सऊद शकील को, क्योंकि छठे नंबर पे खेलना है रिजवान ने। अब आपके पास सातवें नंबर पे अगर ये तीन स्पिनर से जाएंगे तो नवाज खेलेगा, और तीन पेसर से जाएंगे तो फिर फहीम अशरफ खेलेगा और दो स्पिनर खेलेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है ये कि ये दो पेसर से जाएंगे और तीन स्पिनर से, तो अबरार होगा उसके अंदर, नवाज होगा और नौमान, ये मेरे को लगता है कि इस तरह ये कम्बिनेशन के साथ जाते हुए पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ नजर आएगी। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है फवाद मुस्तफा साहब ने, स्पोर्ट्स एंकर है। फवाद साहब क्या कहेंगे इस टीम के हवाले से, जहां पर हम देखते हैं एक दफा फिर सरफराज अहमद टीम का हिस्सा है, मोहम्मद अली नौजवान तो नहीं कह सकते, 30-31 साल के फास्ट बॉलर है, उनको टीम में शामिल किया है, दो डोमेस्टिक सीजन के बेस पे उन्होंने 24 विकेटें हासिल की हुई 6 मैचेस के अंदर। और साथ साथ अगर देखें तो जिस तरह फास्ट बॉलिंग में हमारे साथ जितने भी बॉलर से जो ट्रेवल करते हुए नजर आए थे, खासकर शाहनवाज धानी की बात करें, मोहम्मद हसनैन की बात करें, उनके होते हुए जो है मोहम्मद अली का टीम में शामिल होना टेस्ट स्क्वाड के अंदर कैसा देख रहे हैं? यार आप क्या, अस्सलाम वालेकुम, आप क्या चाह रहे हैं कि कोई भी लेग बॉल क्रिकेट का बॉलर क्या क्रिकेट छोड़ दे? ये जितने भी आप बॉलर की बात कर रहे हैं, वाइड बॉल क्रिकेट में आ रहे हैं ना, तो लेग बॉल क्रिकेट में तो वही बॉलर आएंगे जो लेग बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। वीर हमजा नहीं आए, उनको भी टीम में होना चाहिए था। प्रोग्राम में जमील साहब हमारे साथ बैठे हुए, हम भी यही जिक्र कर रहे थे, मीर हमजा के साथ जो जाती होती हुई नजर आ रही है, फिर फवाद आलम को ड्रॉप करना किस बेस पे, ये समझ में नहीं आया। भाई मीर हमजा की जगह तो वसीम जूनियर ने हारिथ रूफ में लिए, हारिथ रूफ या वसीम जूनियर क्यों टीम में, क्या मतलब क्राइटेरिया, सवाल तो ये बनता है ना। दूसरी बात ये है कि सरफराज अहमद जो है उन्हें 18 रुकनी टीम में रख लिया है, कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल सिंध में खेलना है, अगर तो उन्हें नहीं खिलाना है तो टीम में क्यों रखा है? मसला सारा ये है कि ये सियासी आप कह लें टीम अनाउंसमेंट है कि जिसमें फवाद को आपने बाहर करना था, तो आपने कहा सरफराज को साथ लिया जाए ताकि बहुत ज्यादा शोर ना मचे। अब मुझे तो इसमें ज्यादा कोई चीज नजर नहीं आ रही, और जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि आप यही नहीं पता कि आप विकेट कौन सी बनाएंगे, क्या स्पिनर के लिए बनाएंगे या फास्ट बॉलर की मदद यही सोचते थे आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जब विकेट बनाई थी बिल्कुल डेड विकेट बनाई थी। और जहां तक स्पिनर्स का ताल्लुक है तो अबरार ने तो बड़ी अच्छी इस सीजन में बॉलिंग की है, लेकिन नुमान की उस तरह से बॉल नहीं कर रहे, साहिब भी नहीं कर रहे, तो आप मोहम्मद नवाज भी टीम का हिस्सा है। जी जी बिल्कुल हिस्सा है, लेकिन वाइड बॉल क्रिकेट ये सारे खेलते आ रहे हैं ना, 20 खिलाड़ियों को आउट करना है, अब ये सारे 20 खिलाड़ियों को दो बार इंग्लैंड की टीम को कैसे आउट करेंगे? तो समझते हैं नौमान अली और उसके साथ साजिद खान की जो जोड़ी थी, ये तो हम देखते हैं कि बेशतर मैचेस में पाकिस्तान को फतवाहत भी दिलाई इन दोनों जोड़ी ने, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं साजिद खान पिछले दो सीरीज से जो है आउट होते हुए दिखाई दिए सिलेक्शन कमेटी की नजर से। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये बनती है मोइन, ये हमारी सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि हमारे पास रेड बॉल क्रिकेट में लिमिटेड ऑप्शन है, असल में रेड बॉल क्रिकेट जो है वो आपकी सही मायनों में खेली नहीं जा रही, हम तो बस अब एक सीजन के मैचेस करा देते हैं। अब ये जिन जो नुमान हो गए, साजिद हो गए या जाहिद महमूद हो गए, अब ये सारे पुरानी जो सिस्टम से क्रिकेट हो रही है वहां के आए हुए बॉलर, नए सिस्टम के तहत तो कोई बॉलर नहीं आया ना। अबरार आए हैं, पहला सीजन उन्होंने अच्छा किया, पिछला भी सीजन उनका ठीक था, लेकिन ओवरऑल तो स्पिनर्स नहीं आ रहे ना आपके पास, ये तो एक मसला। इसी तरह रेड बॉल क्रिकेट में फास्ट बॉलर भी नहीं आ रहे, मीर हमजा एक्सपीरियंस है उनको आप नहीं खिला रहे, आप फिर वाइड बॉल क्रिकेट के बॉलर को प्रेफर कर रहे हैं। देखना ये है कि अब कितनी को पाकिस्तान कामयाब होती है, लेकिन मुझे यही लगता है जो लास्ट सीरीज में प्रॉब्लम हुई थी कि हम इंग्लैंड की टीम को दो बार आउट कर पाएंगे या नहीं, ये देखिए।
बिल्कुल, दो बार हम आउट कर पाएंगे नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर स्पिनर्स तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास है सिलेक्शन हुई है उसमें गो के थोड़े अच्छे स्पिनर्स जरूर हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हैं, लेकिन हमें 220 खिलाड़ियों को आउट करना है इंग्लैंड के, वो भी मसाइल पैदा होते दिखाई दे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा फहद साहब, हमारे साथ जमील साहब। जमील साहब, जिस तरह फहद साहब कह रहे हैं कि हमें 20 खिलाड़ियों को आउट करना है इंग्लैंड के, तो हमारी जो टीम अनाउंस हुई है इसमें ऐसे कोई फास्ट बॉलर आपको नजर आ रहे हैं जो मैच विनिंग बॉलर हो? भाई आपके जो चीफ सिलेक्टर साहब ने आज टीम अनाउंस की है, उन्होंने तो कहा है कि हम अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से पिचेस बनाएंगे, सही है ना? तो स्ट्रेंथ हमें लगती है कि स्पिनर्स को फोकस कर रहा है। तो अब देखें ना, चार स्पिनर आपने डाले ना, तो वो इनको यही नहीं पता कि जो टीम ये अनाउंस कर रहे हैं तो वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अपनी मर्जी से बनाई थी ना, डेड पिचेस बनाई थी ना, 200 रन पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं, ऐसे ही था ना, क्या वो आखिरी टेस्ट हार गए ना? बात यह है कि आप जो है ना डर के क्रिकेट खेलेंगे ना तो यही हाल होगा आपका। अगर आपको क्रिकेट खेलनी है ना, मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, तो उस अंदाज में आना पड़ेगा। आपने मतलब दो खिलाड़ी एक ही तरह के हैं ना, अजहर अली और फवाद आलम। अजहर अली को आपने टीम में रखा है, फवाद आलम को आपने बाहर कर दिया, क्या ये क्राइटेरिया? चार सेंचुरी उसने आने के बाद मतलब ये कम बैक करके उसने बनाई थी ना, तो आपने उसको बाहर कर दिया। अगर आप इस तरह तलवार लटका, मीर हमजा का क्या कसूर है मुझे बताए ना? वो मतलब एक लंबे अरसे से ना वो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, एक टेस्ट उसको यूएई में खिलाया था, उसके अलावा उसको फिर पलट के नहीं पूछा। अब अगर आपको जरूरत है, जैसे फवाद कह रहे हैं रेड बॉल, तो रेड बॉल में सबसे अच्छा फास्ट बॉलर तो यही है इस वक्त मीर हमजा है। जब जिनका क्राइटेरिया ये हो कि रेड बॉल के जो है ना हारिस रऊफ और वसीम जूनियर को ला के जिन्होंने फर्स्ट क्लास, कोई इन पे इतना वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, आपने ला, इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। रेड बॉल का जो आपका वो है ना, आपका ये सिस्टम फेल हो गया है, जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है ये बिल्कुल टोटल फेल हो गया है। जब आप जो 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 डोमेस्टिक स्ट्रक्चर प्लेयर प्रोड्यूस ना करे और आप मजबूर हो कि व्हाइट बॉल के प्लेयर को आपको लाके रेड बॉल के अंदर खिलाना पड़े, समझे ना? तो ये और ये जो प्लेयर हैं जिनको ये लालक, ये सिर्फ एक अबरार आया ना, या इनकी इस चार साल दौर में अब्दुल्ला शफीक आया है, बाकी आपके सारे प्लेयर वही हैं यार, 2018 वाले प्लेयर नजर आ रहे हैं। फहद साहब क्या कहेंगे फवाद आलम के हवाले से, क्या क्राइटेरिया पीसीबी चाह रहा है कि ऐसे बैटर्स आए जो टीम में मुसलसल रन करें? सऊद शकील की अगर बात करें तो उन्हें भी हाँ ना की सिचुएशन अब नजर आ रही है, अगर उन्होंने इस सीरीज में परफॉर्म किया तो शायद वो टीम का हिस्सा हो, अगर ना करते हुए दिखाई दे तो वो भी लगता है सिलेक्शन की नजर से गुम हो जाएंगे। ये देखिए सर, पहले जमीन भाई जो बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं उससे अग्री करता हूँ कि आप एक खौफ में रहते हुए आपने ये टीम बनाई है, आपको क्लियर ही नहीं है कि आपकी आपने किस किस्म की बिल्कुल बनानी है। आप बाहर से डरे नहीं, पहले भी डरे थे, अभी भी नजर आ रहे हैं। जहां तक आपने बात की फवाद आलम की, वही फवाद 10 साल आपके गलत फैसलों की वजह से टीम से बाहर रहा, अब वो वापस आया। मुझे आप ये बताएं कि चले वो परफॉर्म नहीं कर रहा था पिछली 8 इनिंग से, बट एक तरीकाकार होता है ना, आप टीम के साथ रखते हैं और उसके बाद एक लड़के के साथ आपने 10 साल से क्यों भी ज्यादा की, उससे बात करके या तो आप उसे ड्रॉप करते हैं या टीम के साथ ही रख के उसे बताया जाता है कि हम आपको ये सीरीज और दे रहे हैं, आप एक सीनियर क्रिकेटर हैं, लेकिन इसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपकी जगह बनेगी या नहीं बनेगी। हमें ये तरीकाकार तो आता ही नहीं टीम से लोगों को निकालने का, आपकी कितनी कुछ सर्विसेज होती है लेकिन आपको जब चाहते जिसको चाहते निकाल देते हैं। अजहर खेल रहे बट अजहर ये भी शॉर्ट टेस्ट को करवाने हैं ना किसी न किसी तरीके से, ठीक है बीच में उसने टेस्ट मैच में परफॉर्म कर दिया था, लेकिन जो मॉडर्न डे क्रिकेट की भी जमीन भाई बात करें तो वो भी नहीं खेलता। तो हम अभी तक हम ये नहीं सोचते कि हम अपनी टेस्ट क्रिकेट को लेके कहाँ जाना चाहते हैं, हम वही तरीके से खेलते हैं, 90 ओवर में 240 रन 250 रन इसी तरह से हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। हम अपनी ये तो सोचते हैं टेस्ट क्रिकेट में कहाँ लेके जाना है। दूसरा ये कि आपको खौफ से हटना होगा, आप ये छोड़ दें कि आप एक टेस्ट सीरीज हारेंगे, दो टेस्ट सीरीज हारेंगे, लेकिन आपको अपनी टेस्ट टीम डेवलप करनी पड़ेगी। इस खौफ में रहते हुए आप टेस्ट खेलेंगे तो फिर वैसे ही होगा जब अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हुआ था, और अभी अबरार आया है, देखना है कि वो किस तरह से उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ये मिस्ट्री बॉलर ज्यादा से रेड बॉल क्रिकेट में कामयाब नहीं रहे, इब्रार कितना कामयाब होता नजर आता है फहद साहब, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप जिस तरह बात करें, खौफ का आलम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे नजर आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कप्तान बाबर आजम बोल्ड होते दिखाई नहीं देते, फैसला बड़ा लेते दिखाई नहीं देते। हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी उनकी बहुत सी खामियां जो कप्तानी में नजर आई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए
देखिए बहुत अभुन वाली बात थी कि आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, उसके बाद आपने एशिया कप का भी फाइनल खेला, पिछले साल वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला, तो उस लिहाज से तो ठीक है। दूसरा ये कि मोइन हमारी कप्तान तो तैयार होता नहीं है। अब या तो पीछे आपने कोई कप्तान तैयार किया था, अगला कप्तान भी तो आप नया ही उठा के लेंगे। तो हमारे यहाँ पहले होता है कि पहले डिपार्टमेंट की क्रिकेट होती थी या रीजन की क्रिकेट होती थी, वहां पर पेयर कप्तानी करते थे और कप्तानी सीखते थे। अब ये लड़के खेलते ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट, तो कप्तानी कहाँ सीखेंगे? तो फिर आप नया कप्तान लेके आए, फिर उसके बाद उसके साल दो साल हो गए लादर, और बहुत आसान हटाना बहुत आसान होता है, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, ड्रग को हटा दिया था, अब हम बाबर को भी हटाने सोच रहे हैं, हटा दें। लेकिन दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो इतना तगड़ा जरूर होना चाहिए कि फिर ये ना हो कि आपके यार बाबर को गलत हटा दिया, जैसा अभी भी हम सरकार को हटाने की बात करते हैं गलत फैसला था, तो जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होना चाहिए, अच्छा कप्तान मुंतखब करना है तो उसे भी ग्रूम करते हुए जरूर नजर आना चाहिए। फहद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेश स्पोर्ट्स में टाइम देने का। नदीम भाई क्या कहेंगे, जिस तरह फहद भाई भी कह रहे हैं कप्तानी के हवाले से बाबर आजम के, कप्तानी के हवाले से कह रहे हैं ग्रूम करते, लेकिन इतना परफॉर्म कर दिया था बाबर आजम ने, तो उस पर इनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस थी, इन्होंने कहा कि सरफराज को हटाएं फिर अजहर अली को लेके आए। जब अजहर अली कप्तानी के लिए आए थे तो अजहर अली इस चीज़ पे काफ़ी बहुत से नाराज थे, वो चाहते थे कि कोई इस तरह की बात हो बहुत से, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए उनको कप्तान रखा जाए, लेकिन उसमें वही चाहते हैं कि अजहर अली की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, उनके पास एक लॉलीपॉप दिया बोर्ड ने, इनको चलाया दो चार टेस्ट, उसके बाद यकीनी तौर पर अंदर से रिपोर्टें आने, अजहर अली को फील होना शुरू हो गया था कि अब उनकी कप्तानी से हटा दिया जाएगा, तो उस वक्त उनको फील हो गया कि उनको इस्तेमाल किया गया, मुसलसल तौर पर बाबर आजम के लिए रास्ता बनाना था, तो उन्होंने वो बना दिया। इसके अलावा ये है कि जिस तरह बात कर रहे हैं आप, टीम में ग्रुपबंदी है, नहीं ग्रुपबंदी नहीं है, देखें इस वक्त जो ग्रुपबंदी, जब सब प्लेयर बराबर परफॉर्म कर रहे हो तो फिर ग्रुप बन सकता है, लेकिन इस पर बजाय जो नजर आ रहा है टीम पे जो होल्ड नजर आ रहा है वो बाबर आजम रिजवान का नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि अगर आप कोई प्लान नजर आता है तो बाबर आजम और रिजवान उन्हीं प्लेयर जो इनके इर्द गिर्द प्लेयर घूम रहे वही बार बार टीम में आ जाते हैं। नवाज आए टीम में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नवाज को जिस तरह ये लेके आए अभी, तो मुझे तो बजाय नजर आ रहा है कि देखें आप इन्होंने दो लेफ्ट हैंड स्पिनर रख दिया टीम में, एक लेग स्पिनर रख दिया, इब्रार को भी लेके आए, चार स्पिनर रख दिया, ये मैनेज किया है इन्होंने ये। अच्छा मैनेज की बात हो रही, थोड़ी सी ऑलराउंडर्स के हवाले से बात कर लें, जमील साहब इस टीम का हिस्सा फहीम अशरफ भी है, काफ़ी आवाज़ें उठी फहीम अशरफ के हवाले से भी, वसीम जूनियर भी टीम का हिस्सा है, गो कि ये 18 रुकनी टीम के अंदर अगर आप बेहतर समझते हैं कि सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए कि एक ऑलराउंडर फास्ट ऑलराउंडर बॉलिंग ऑलराउंडर होता और उसके साथ मोहम्मद अब्बास को टीम में शामिल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? बहुत अच्छा होता, देखिए अब्बास को तजर्बा भी है और वो डोमेस्टिक में खेल भी, और ऐसे डेड विकेटों पर और ज़्यादा कामयाब होता, डोमेस्टिक में खेल भी रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर आप जैसे जहां पर आप अगर वो ये तो देखें हारिस रऊफ जो है ना ये अलग बात है कि वो आए और परफॉर्म करते हुए, लेकिन जिस तरीके से ला रहे हैं ना वो तरीकेकार गलत है, समझे ना, तो हम यही कह रहे हैं कि अगर खिलाना था ना इनको तो मोहम्मद अब्बास को ये लाते, मोहम्मद अब्बास को तजर्बा भी है और जो है ना वो कामयाब भी रहे हैं इन पिचेस को, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की, उससे पहले जब क्या कहते हैं बांग्लादेश आई थी उनके खिलाफ भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, तो अब्बास जो है ना वो बेहतर चॉइस थे। देखिए जब आपने फहीम अशरफ को ले लिया है ना तो फिर आपको जो है ना मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है ना वो नहीं करना चाहिए था, मोहम्मद नवाज भी मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस के लिए इतने अहल नहीं है। मोहम्मद नवाज ने फर्स्ट क्लास में सेंचुरियां बनाई हुई हैं, वो नेशनल बैंक से खेलते थे और मैंने उनको खेलते हुए देखा है, वो एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं जरूर। अच्छा ऑलराउंडर की बात हो रही है जमीन साहब, आपने नेशनल बैंक से बैटर्स की बात कर ली मोहम्मद नवाज की, मोहम्मद नवाज ने जब अपना कैरियर शुरू किया था तो वो एज ए बैट्समैन टीम में खेला करते थे, फिर टेम्पररी तौर पर उन्होंने बॉलिंग शुरू की और फिर बॉलिंग बेस पे बड़े जबरदस्त बॉल करते नजर आए तो उन्हें टीम में अब जो शामिल कर लिया गया। जी 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 हाँ, तो वो देखें नेशनल बैंक ने बहुत प्लेयर बनाए ना, तो इसी तरह मतलब ये कि ये थे नवाज थे, तो नवाज जो ना निचले नंबर पे जाके 5-6 नंबर पे जाके और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है ना उन्होंने दी और इसी वजह से वो पाकिस्तानी टीम तक उनकी रसाई भी हुई थी, लेकिन अब चूंकि फिर उसके बाद वो टीम से बाहर हो गए, अम्माद वसीम आ गए, अम्माद वसीम खेलते रहे, फिर गैप आ गया, अब वो कम बैक किया उन्होंने दोबारा T20 के अंदर, तो वो T20 में उन्होंने कम बैक किया ना, तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, लेकिन अभी 2-3 साल से जो है ना उस तरह नहीं खेल रहे जिसकी हम बात कर रहे हैं ना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रेगुलर जो है ना वो खेलना चाहिए। इनकी हाँ, जगह बेहतर समझते थे कि साजिद खान होते, साजिद देखिए एक ऑफ स्पिनर होता है आपके पास है ही नहीं, आपने तो मतलब एक चीज है ना जब किसी प्लेयर को निकालना होता है ना उसके एक्शन पे इस पे बहाना करके आप श्रीलंका लेके नहीं गए, अब क्या बहाना था आपके पास, आपने बाहर कर दिया,
तो ये जो परिणी विकेटों पर हम देखते हैं कि साजिद खान ने काफी आउट किए हुए, आजम ट्रॉफी के अंदर 65 उसकी वो थी विकेटें थी, तो इसी वजह से तो टीम मारा आए थे। इन पिचेस पे बॉलिंग करने का तजर्बा भी है उनको, लेकिन बहरहाल ये कि अब ये जो है ना, अब देखें हमारे यहाँ क्या होता है, जो प्लेयर इस स्क्वाड या इनकी नजरों से दूर हो जाता है वो किस्सा पारीना बन जाता है। ये तरीके कार जो बिल्कुल किस्सा पारीना की बात आपने कर ली, तो जातियों का सिलसिला एक रहा है शान मसूद के साथ भी, अब टीम का हिस्सा जरूर है शान मसूद, क्या कहेंगे नदीम साहब? जी बिल्कुल, शान मसूद के लिए देखें, शान मसूद परफॉर्मेंस करके आए, बड़ी मेहनत किया, उन्होंने T20 में जगह बनाई अपनी, लेकिन अब ये कि ये इनको टेस्ट में लेके आए हैं और खिलाना है, लेकिन मसला सारा ये कि खिलाएंगे किस जगह पे, मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं वंडर के ओपनर दोनों असद शफीक अब्दुल्ला शफीक और ये इमामुल्ला खेलेंगे, अब इसको किस नंबर पे खिलाते हैं, और मसला सारा ये है कि टीम बना दी है इन्होंने अपनी पसंद से, अब इसके अंदर किस किस प्लेयर को खिलाना है अभी तो इनके लिए मुश्किल होंगी, और सऊद शकील को ये लाए हैं टीम में, लेकिन आप फिर एक दफा को सऊद शकील परफॉर्मेंस करके आया टीम में, लेकिन फिर क्या कि बाहर इन्होंने फवाद आलम को ही किया, मतलब ये घूम फिर के वहीं घूमेंगे चाल, जहां से लड़का उठाते हैं वहीं से कर देते हैं बाहर, लड़का कराची से प्लेयर उठाया इन्होंने, कराची का प्लेयर बाहर कर दिया, प्लेयर सऊद शकील 51 किया, उसके बाद उसको गायब कर दिया, प्रेशर आया सऊद शकील के लिए मीडिया से, लोगों ने आवाज़ें उठाना शुरू की, अब ये घबरा गया बोर्ड, अब जब घबराया बोर्ड उसे देखा फवाद आलम की परफॉर्मेंस बैठती है, फौरन फवाद आलम की जगह उसको टीम में ला के खड़ा कर दिया, मतलब ज़्यादा ये कि दो लेफ्ट हैंडर भी खेल सकते थे, सऊद शकील टैलेंटेड प्लेयर था, फवाद आलम के साथ खेल सकता था, वन डाउन पोजिशन पर भी खेल सकते थे प्लेयर, लेकिन बात फिर वही आ रही है कि पसंद नापसंद की, इन्होंने अपने तरीके से टीम बनाई है, हर तरीके से कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं फिर वो कहां जाए, मसला सारा फिर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो हुरैरा बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते दिखाई दे रहे हैं कायद आजम ट्रॉफी में, जिमी साहब क्या कहेंगे इसके? दो साल से बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, और मैं समझता हूँ कि उनको स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, उमेर बिन यूसुफ जो है उन्होंने 4 नंबर के ऊपर 3 सेंचुरियां बनाई है इस सीजन के अंदर। देखिए मैं कहता हूं कि अजहर अली को इनको जो है ना, देखिए सोचना चाहिए, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, अजहर अली को रेस्ट कराना चाहिए, और जो ये जो क्या कहते हैं शान मसूद को 3 नंबर पे खिलाना चाहिए, और स्क्वाड के अंदर हुरैरा को रखना चाहिए और उमेर बिन यूसुफ को रखना चाहिए, रिजर्व में रखें, साथ रखें बच्चों को इनको ना, ताकि साथ रखने वाले बॉलर्स को नहीं खिलाया जा रहा, आप बैटर्स की बात कर रहे हैं भाई, आप जो अभी जो बात कर रहे थे फवाद भाई कि आप सीरीज हार जाए ना, 2 सीरीज टीम तो बना लें, मैं शुरू से लेकिन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग का मामला है, बाबर आजम ऐसा रिस्क लेते हुए बहुत कम नजर आए हैं जमील साहब, तो अब ये अगर टेस्ट रैंकिंग अगर आपको अपने डोमेस्टिक पर भरोसा नहीं है तो फिर आप जो है ना फिर तो अब्रार को भी नहीं लेते, अगर देखिए आपने लिया है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खिला दें इनको, ग्रूम तो करें ना, ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे ना भाई, हुरैरा हो गया या उमेर बिन यूसुफ हो गया, लड़का तो क्या कहते हैं हमारे पास तो साय मयूब भी है, लेकिन जो साय मयूब ओपनर है तो ओपनर में भी जगह नहीं बन रही ना, शान मसूद की जगह नहीं बन रही, तो शान मसूद को अगर ये 3 नंबर खिलाएं, अजहर अली को रेस्ट कराएं, समझे ना, क्योंकि वो मॉडर्न क्रिकेट को समझ भी रहा है और खेल भी रहा है, क्योंकि T20 खेल रहा है वो, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस टाइप के जो लड़के हैं जो डोमेस्टिक में, इनमें से इन लोगों को रिजर्व में रखें और इनको आप जो ना मतलब मौका दें, अजहर अली को आप रेस्ट करने की जरूरत है, और अगर वो टीम का हिस्सा रहेंगे तो हमारे जो एक माइंडसेट है ना कि ड्रॉ करना है, इससे लोग उकता गए हैं, और आपके जो तमाशा जो आपके स्टेडियम खाली पड़े रहते हैं उसकी एक बुनियादी वजह ये, इंग्लैंड के टेस्ट जाके देखें आप, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट देखें भरे होते हैं स्टेडियम, क्यों 5 में से 4 टेस्ट का फैसला होता है और 3 दिन के अंदर खत्म होते हैं, 4 दिन में खत्म होते हैं, हमारे यहाँ क्या क्यों वो जब खेलते हैं ना तो 350-400 रन बनाते हैं, हम खेलते हैं 240-250 रन बनाते हैं, तो वो टेस्ट हम इसमें खुश होते हैं कि हमने टेस्ट ड्रॉ कर लिया, जब तक आप मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलेंगे और फैसला नहीं आएगा तो तमाशाई जो है ना वो ग्राउंड की तरफ नहीं आएंगे, बिल्कुल तमाशाई ग्राउंड की तरफ नहीं आएंगे। नदीम भाई जिस तरह जमील साहब कह रहे हैं कि मॉडर्न क्रिकेट अब हमें खेलनी चाहिए, कायद आजम ट्रॉफी इस वक्त जारी है, फाइनल अगर सरफराज अहमद खेल लेते तो ज्यादा बेहतर होता, इस स्क्वाड के अंदर जिस तरह फवाद साहब कह रहे थे कि रखने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, अगर बाबर मोहम्मद रिजवान अनफिट हो जाते तो चले दूसरे विकेट कीपर के तौर पर अजहर अली विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते, लेकिन इन्हें टीम का हिस्सा जरूर बना दिया गया सरफराज अहमद को, समझते हैं कि यहां पर उन्हें कायद आजम ट्रॉफी का फाइनल खेलने दिया जाता? देखिए सरफराज को खेलने देना चाहिए था फाइनल, फिर मैं एक बात कहूँगा, अगर ये सरफराज को भी हटा देते ना यहाँ से तो पहले फवाद आलम को टीम से ड्रॉप कर चुके थे, पहले ही प्रेशर था हमारे चीफ सिलेक्टर के ऊपर, अगर इन्होंने सिर्फ ये चीज़ें देखी, अगर हम सरफराज को रखते हैं टीम में शायद इनको भी प्रेशर कम हो जाए, सीनियर को एक को टीम में रखा, और रिजवान जिस तरह वर्ल्ड कप खेले हैं एशिया कप खेले हैं तो
फुल तरीके से फिट नहीं है। आप उनको देखिए, जब भी कोई थिरो होता है कहीं रनिंग करके भागते हैं तो वो अनफिट ही है, नी इंजरी लग रही है उनको। लेकिन बताया, अगर आपको नजर आ रहा है नी इंजरी है, तो आप रिजवान को रेस्ट कराएं, लंबी क्रिकेट के लिए उसको तैयार करें, उसके बाद सरफराज को यहाँ मौका दे देते। अगर आपने सरफराज को मौका देना नहीं था तो फिर आप उसको डोमेस्टिक का फाइनल खेलने देते, क्योंकि सीनियर प्लेयर है, लोग सीखेंगे क्रिकेट उससे जो टीम के साथ। आपने बड़ी हसीबुल्ला के हवाले से बड़ी बातें हुई कि वो टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन वो टीम का हिस्सा होते नजर नहीं। आप हसीबुल्ला को शामिल कर लेते, ग्रूम कर लेते थोड़ा सा, जमील भाई इस तरह कह रहे हैं, खासकर जो ड्रेसिंग रूम होता है वो शेयर करना बड़ा जरूरी होता है। जी बिल्कुल, ये हसीबुल्ला को टीम के साथ रखते हैं, ग्रूम होता है वो प्लेयर, क्योंकि अभी उसने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसी तरह देखें, जिस तरह कामरान गुलाम थे, उनके साथ बहुत ज्यादा जाती हुई है, दो सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जब उनका टाइम था खिलाने का आपने उनको नहीं खिलाया। देखिए प्लेयर क्रिकेट में ये होता है, एक या दो सीजन ही परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वहां से क्रिकेट खेलता रहता है, अपना नाम बनाता रहता है। इन्होंने हर प्लेयर के साथ जाती की है। अब कामरान गुलाम का नाम खत्म हो गया, अब देखें नए प्लेयर आ जाएंगे जो इस सीजन। सलमान अली आ गया तो बड़े, मैं कहता हूँ टैलेंट सही है, टैलेंटेड प्लेयर थे, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह उनको ला के खड़ा किया गया ना, देखें पहले टेस्ट में कुछ नहीं किया, सेकंड टेस्ट आया 150 किया उन्होंने। देखें हर प्लेयर को खिलाने के लॉबिंग एक पूरा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, वो बिल्कुल टीम में जो इसमें जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे सिलेक्टर हैं, ये सब पहले इन चीज़ों को देखते हैं, क्या है बैकग्राउंड बना के प्लेयर को खिलाते हैं। जिसको खिलाना है उसके लिए बहुत आसानी से रास्ते बनाए जाते हैं, और जिसको नहीं खिलाना है ना तो उसको बहुत आराम से सफाया कर दिया जाता है क्रिकेट से। और ये बात है, फवाद आलम को पता था मैं एक इनिंग अगर आउट होता हूँ दो इनिंग में तो उसको इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, और ये बात सही थी। आप देखे कर दिया, असद शफीक को इन्होंने खत्म कर दिया, खुर्रम मजदूर जैसे टैलेंटेड ओपनर को इन्होंने खत्म कर दिया। अब ये आहिस्ते से क्या करेंगे, इनको सब पता है, तो हमारे जो चीफ सिलेक्टर हैं जो आके बैठे हुए हैं उनको सब पता होता है कि क्या होता है। इनका अगर आप अपना माजू उठा के देखें पीछे, तो ये खुद चैनल पे बैठते थे और ये बोलते थे कि उस वक्त ये होता था डिपार्टमेंट क्रिकेट अलग होती थी और रीजन क्रिकेट अलग होती थी, तो इनको बड़ा एतराज था उस वक्त के रीजन अलग कर रहे हैं आप, डिपार्टमेंट अलग कर रहे हैं, उस पर डिपार्टमेंट प्लेयर रीजन से नहीं खेलता था, फिर एक साथ शुरू कर दी। इन्होंने कहा हम कहाँ जाएं, जब आपको उस वक्त अपना फिक्र थी आप कहाँ जाएं, तो आज वही तो उन प्लेयर के साथ हो रहा है। मसला सारा ये होता है कि हमारे सिलेक्टर जो भी लोग आते हैं वो अपना माजी पीछे देखते हैं कि हमें क्या एतराजात थे, लेकिन जब वो सीट पर आके बैठते हैं तो फिर वही चीज़ें दोहरा रहे होते हैं। आप ये देख रहे हैं कितने डिपार्टमेंट के ऊपर लोगों ने आवाज़ें उठाई, डिपार्टमेंट बंद हुए, डिपार्टमेंट जिन जिन लोगों ने आवाज़ें उठाई, मान फरद इसके अलावा बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे, इन्होंने सबको उसको सेटलमेंट किया, किसी को कहीं का रीजन का कोच बनाया, किसी को कहीं सेट किया, अब वो आवाज़ें उठाना बंद कर दी उन लोगों ने। अब क्या है कि मसला कि अब सुकून बैठ गया बिल्कुल बोर्ड में, अब इनको पता है कुछ नहीं होगा। अब मीडिया के आज लोगों ने उठाया सवाल कि आपने क्या टीम अनाउंस की, तो बात सारी है कि जब भी कोई सवाल करता है ना टीम के बारे में, तो ये क्या करते हैं, अगर कोई प्लेयर 3 साल की परफॉर्मेंस पर एडजस्ट हो रहा है टीम में, तो ये 3 साल की परफॉर्मेंस की दिखा के बताएंगे कि इसको हमने एडजस्ट किया है। जो प्लेयर 2 साल की परफॉर्मेंस में इनका पसंदीदा प्लेयर एडजस्ट हो रहा है टीम में, तो ये 2 साल की परफॉर्मेंस बताएंगे, हमें 2 साल की परफॉर्मेंस में उठाया हुआ है। और जो प्लेयर डायरेक्ट करते हुए परफॉर्म आ रहे हैं जिनको नहीं खिलाना है, तो फिर ये इसको बताएंगे उसकी बैड परफॉर्मेंस वाले सीजन निकालेंगे, हमें इसलिए इसको टीम में शामिल नहीं किया। तो फिर बात यही है कि आप हर प्लेयर के साथ दोहरा सिस्टम रखा हुआ है, आप किसी के लिए किसी तरीके से सोच रहे हैं, किसी के लिए किसी लिए सोच रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान प्लेयर है, यहाँ पे डोमेस्टिक सीजन चल रहा है। डोमेस्टिक सीजन का क्या मकसद है, जो परफॉर्मर है, अभी मैं आपको मिसाल दे दूँ अंडर 19 की, अंडर 19 से एक अली साग लड़का था सिंह, उसने परफॉर्मेंस की है, मतलब वो वनडे अंडर 19 टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन बना। अब अगर जो प्लेयर अंडर 19 डोमेस्टिक का बेस्ट बैट्समैन बना है, वो प्लेयर कहाँ है, पाकिस्तान 19 टीम में नहीं था, वो एक प्लेयर फिट हुआ इसको T20 में लेके आए, उसने 2 T20 में टीम के साथ रहा, खत्म हो गया, उसको कोई मैच नहीं खिलाया, वापस आ गया। यानी कि आपने जो अंडर 19 डोमेस्टिक सीजन कराया था नेशनल वनडे, क्या वो सही नहीं था? अगर वो सही था टॉप परफॉर्मर, में ये नहीं बोला कि एक ने 350 की एक ने 300 नहीं, जिसको आपने ट्रॉफी पकड़ाई के फर्स्ट बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन ऑफ टूर्नामेंट के, तो अब उसको होप हो गई मैंने इन 6 टीमों में टॉप किया है, अब मैं पाकिस्तान अंडर 19 का मेन खेलूंगा, इंशाल्लाह मैं उस पर परफॉर्म करूंगा, मेरा नाम बन जाएगा, लेकिन गायब कर दिया बिल्कुल। ये जातियों का सिलसिला, जमील साहब से बात करते हैं कि बड़ा फोकस करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जमील साहब क्या कहेंगे, जिस तरह नदीम भाई कह रहे हैं कि बहुत से जातियों का शिकार क्रिकेटर्स नजर आए, तो समझते हैं कि नौजवान क्रिकेटर्स के साथ जाती तो दिल बरस्त होते हुए नजर आते हैं वो बहुत ज्यादा, और खुद ही क्रिकेट से साइडलाइन होते नजर आ रहे हैं। अरे क्रिकेट में तो अब आपको जो है ना, ये अब आप क्यों इन्हीं जो खिलाड़ी हैं इनको ला रहे हैं ना घुमा फिरा के, मैं आपको आपके प्रोग्राम में बैठ के नहीं बोलता हूँ कि ये ज्यादा क्या करेंगे, फहीम अशरफ को ले आएंगे, हुसैन तलत को ले आएंगे, ये 2-3 ही नाम है ना, ये अब टेस्ट के अंदर तो ये है ना, अभी ये बात ये है कि इनको यही नहीं भरोसा अपने डोमेस्टिक के ऊपर कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, इतने अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं ना। अब जैसे कामरान गुलाम का नाम लिया, 2 साल उसको उन्होंने वो किया, उसके बाद अब वो एक मरतबा बांग्लादेश गया था, वो टीम के साथ खिलाया नहीं उसको, अब वो जो है ना, जो मैं कहता हूँ ना किस्सा पारीना हो जाता है, हमारे यहाँ यही होता है। अभी वो जो टीम आ रही है ना इंग्लैंड की, देखें इंग्लैंड की जो टीम है
उसके अंदर मैंने ये देखा है, जो आपने अभी जो बात करे ना, ये अली साग की बात करे ओपनर, वो बच्चा अच्छा है, और भी बच्चे हैं जिनके साथ यहाँ पर मतलब ज्यादती हुई है। ठीक है, हमारे दो तीन बच्चे यहाँ से, तीन या चार लड़के उन्होंने लिए थे, उनको खिलाया, लेकिन और उन्होंने परफॉर्म भी किया। साद बेग हो गया, वहाज रियाज हो गया, ठीक है ना, मतलब जियाउल्लाह को जैसे नहीं लिया, तैयब को नहीं लिया, ये तो हो रहा है। मतलब आप जाएंगे कहां, मतलब बोलने के लिए? जियाउल्लाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, मुझे एक बार बताए ना, एक बात समझा दे। पहले जो है ना, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफिस होता था, जोन के ऑफिस होते थे, ठीक है ना, क्लब वाले जोन वालों को पकड़ते थे, जोन वाले जो है जाके पकड़ते थे कि भाई ये हमारे जो लड़का, इसकी ये परफॉर्मेंस है, वो ऊपर बात करते थे। अब किससे बात करें, इतना बड़ा गैप है कि ये जो यहाँ सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के पास तो इख्तियार ही नहीं है, अब किससे बात करें, कोई फोन ही नहीं उठाता ना कोई बात करता है। मतलब वहां पर ये बादशाह जो है ना वो कायम है, और जो वो चाहते हैं कि हमारी मर्जी, हम जिसको चाहे खिलाएं, जो चाहे बर्बादी करें, जो चाहे, हमारी मर्जी है। तो लिहाजा ये कि इस वक्त जो है ना, इस वक्त हम जो है ना, मतलब एक गुलामाना तर्ज अमल है ना, उसके तहत क्रिकेट हो रही है कि जो हम कह रहे हैं ना बस वो ठीक है। अब ये टीम अनाउंस हुई है, मतलब इनको कोई मतलब शर्मिंदगी नहीं है, यानी शर्मिंदगी का मतलब कोई मतलब वो ही नहीं है ना। मतलब एक बात मुझे आप बताएं कि मतलब एक एक चीज है कि आपको रेड बॉल के दो प्लेयर डालने, अभी जो बात कर, तो आपके पास जो जब जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे, इससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है कि जो मीर हमजा जब डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको नहीं लेके जा रहे? अभी इंग्लैंड की टीम जो आ रही है ना, आप लिख लीजिए ये तीन स्पिनर से जाएंगे। मैं बताऊं क्यों, इंग्लैंड की स्पिन बॉलिंग कमजोर है, वो इतने उनके पेसर चारों तगड़े हैं, ये जाएंगे, ये बुलाएंगे वही जो डेड पिचेस बनाएंगे या उनकी बनाएंगे स्पिनर्स की, और तीन स्पिनर्स के साथ जाएंगे और दो पेसर के साथ जाएंगे। फहीम अशरफ मुझे बाहर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे जो ये सरफराज भी बाहर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। सऊद शकीर है उसमें टाई है सलमान अली आगा के अंदर, और वो जो अब हाँ अजहर अली अगर फ्लॉप होते हैं तो फिर शान मसूद की जगह जो ना नंबर तीन के ऊपर जो ना बन सकती है, वरना वो दोनों बहुत अच्छी जो इमाम से किस कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए इंग्लैंड के खिलाफ? देखिए ये बताए तो नजर आ रहा है कि ये दो फास्ट बॉलर और फहीम अशरफ को शायद एज ए ऑलराउंडर खिला दें, और दो स्पिनर के साथ जाएंगे, नवाज को जरूर खिला देंगे, और हो सकता है कि इब्रार को खिला दें उसके साथ। जाहिद महमूद और नुमान तो मुझे नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अगर नवाज बड़े आइडियल प्लेयर बने हुए इनके लिए, क्योंकि बॉलिंग करवाए या बैटिंग कराए उन्होंने किसी ना किसी के किसी ना किसी नंबर पे या किसी ना किसी बॉलिंग के हिस्से में नवाज को लेकर जाएंगे। प्रोग्राम में टाइम कम है, बिल्कुल तीन खिलाए थे। नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।